अच्छा तो बॉयज एंड गर्ल्स, तो यार तुम लोगों को ना हर जगह पे इंटरनेट पे, या तुम लोग अगर ट्विटर यूज करते हो तो तुम लोगों को हर जगह मैट्रिक्स अवेकन्स करके एक वीडियो नजर आ रही होगी, या मैट्रिक्स अवेकन्स करके कोई गेम दिखाई जा रही होगी, और तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार एक फुल फ्लेज गेम है जो कि यार इन फ्यूचर रिलीज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है यार, ये एक डेमो है जो कि अनरियल इंजन 5 में बना है, और अनरियल इंजन 5 के बारे में बताया जा रहा है कि अगर तुम लोग अनरियल इंजन 5 पे गेम बनाते हो तो तुम लोगों को इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यार इनके ग्राफिक्स करेक्टर्स को देखते हुए लोगों ने इसको GTA 6 के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम सबको पता है कि यार GTA 6 बहुत ज्यादा एंटीसिपेटेड गेम है, और लोगों को लग रहा है कि जब यार GTA 6 आएगी तो भाई वो कुछ इस तरह की दिखेगी, और इसलिए तुम लोगों को यार थंबनेल में भी GTA 6 के बारे में तुम लोगों को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि भाई हम जहां पर भी यार अच्छे ग्राफिक्स देखते हैं हम उसको GTA 6 के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो आज भी हम यही करेंगे, लेकिन हम दो गेम्स के साथ कंपेयर करेंगे, एक होगी मुंबई गलीज और एक होगी GTA 6, क्योंकि यार मेरे चैनल पर ये दोनों गेम्स बहुत ही ज्यादा एंटीसिपेटेड है। तो यार ये वीडियो 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी ताकि तुम लोगों के लिए समझने में आसानी रहे और मुझे समझाने में आसानी रहे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यार करेक्टर्स की। तो ऑब्वियसली अगर तुम लोग देखो तो भाई करेक्टर्स कितने ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं, और तुम लोगों को अनरियल इंजन 5 में सब चीजें बहुत ही नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगी। और यार अगर हम मुंबई गलीज का साथ कंपेयर करें तो भैया हमें पता है मुंबई गलीज अनरियल इंजन 4 में बन रही है। तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अगर अनरियल इंजन 5 के ग्राफिक्स हैं तो अनरियल इंजन 4 के ग्राफिक्स भी कितने ज्यादा मजे करने वाले हैं। और मैं तो यार निखिल मलंकर साहब से यही दरख्वास्त करूंगा कि भाई अनरियल इंजन 4 को छोड़ें, अनरियल इंजन 5 में यार अपने करेक्टर मॉडल डिजाइन करें, बहुत ही मजे के बनेंगे। खैर मुझे पता है कि यार अनरियल इंजन 5 तो यार 2022 में जो रिलीज होगा प्रोलॉग उसमें तो यूज नहीं हो सकता, लेकिन यार मेरी ख्वाहिश है कि अगर अनरियल इंजन 5 में इसको देखने के बाद मुंबई गलीज का फाइनल चैप्टर बने तो वो बहुत ही ज्यादा मजे का होगा। होपफुली अनरियल इंजन 5 ही यूज होगा फाइनल चैप्टर में, लेकिन प्रोलॉग के अंदर तो अनरियल इंजन 4 ही यूज होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन यार अगर तुम लोग यार इस डेमो को देख के चलो तो भाई तुम लोगों को पता चलेगा कितने ज्यादा रियलिस्टिक करेक्टर्स लग रहे हैं, इनके फेस एक्सप्रेशन कितने ज्यादा मजे के हैं, इनके बालों की रिफ्लेक्शन देखो, इनके बालों के टेक्सचर्स देखो कितने ज्यादा मजे के लग रहे हैं। और ये जो बंदा तुम लोगों को क्लीन शेव में नजर आ रहा है, ये जवानी का कीनो रीव्स है। तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि भाई उन्होंने जवानी का कीनो रीव्स कैसा बना दिया, और बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया है, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है जैसा कि तुम लोगों को नजर आ भी रहा होगा। अब आगे अगर हम बात करें तो वो है ग्राफिक्स। तो भाई तुम लोग ग्राफिक्स देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि यार रियल लाइफ है, और तुम लोग यार रियल लाइफ न्यूयॉर्क या ऐसी कहीं जगह पे घूम रहे हो, और तुम लोग देख रहे होगे ऐसा लग रहा है कि किसी मूवी का सीन चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं यार इतने ज्यादा ग्राफिक्स से। अगर तुम लोग किसी ऐसे बंदे को दिखाओ ना जिसको गेम्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो यार तुम लोगों को पता चलेगा वो यही कहेगा कि भाई ये रियल लाइफ है, ये गेम हो ही नहीं सकती, इतने ज्यादा खूबसूरत ग्राफिक्स लग रहे हैं अनरियल इंजन 5 में। और तुम लोग अंदाजा लगाओ कि जब तुम लोगों की एंटीसिपेटेड मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम और तुम लोगों की चहेती गेम GTA 6 रिलीज होगी तो भाई उसके ग्राफिक्स कितने नेक्स्ट जेन होने वाले हैं और कितने ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। अगर अब हम बात करें भाई शूटिंग मैकेनिक्स की, तो भाई इनको देखकर लग रहा है कि मैं कोई यार कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूं, जैसे टॉम क्रूज की कोई फिल्म है जिसमें हमें बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है, मुझे तो ऐसे ही कोई फील आ रही थी। लेकिन यार ऑनेस्टली ये गेम की शूटिंग मैकेनिक्स और इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, मैं कह सकता हूं कि भाई GTA 6 बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। और अगर हम अनरियल को देखकर चलें तो भाई मुंबई गलीज जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा वेट करूं, वो किस कदर खूबसूरत होने वाली है और किस कदर नेक्स्ट लेवल होने वाली है इन शूटिंग मैकेनिक्स को देखने के बाद। क्योंकि ऑब्वियसली ओपन वर्ल्ड गेम्स हो, उनमें मिशंस होते हैं, और उनमें यार जब शूटिंग मैकेनिक्स ऐसे हो ना तो भाई गेम खेलने का जो एक एक्सपीरियंस है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो निखिल मलंकर साहब आप देख लें, और हमें भाई इसी तरह के अनरियल इंजन 4 में भी शूटिंग मैकेनिक्स देखने को चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। भी अगर हम आगे बात करें एटमॉस्फेयर की, तो भाई तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा खूबसूरत, कोई पता नहीं कौन सा सिटी है ये, लेकिन जितना ज्यादा खूबसूरत ये सिटी बना दी है ना, मतलब तुम लोग एनवायरनमेंट देखो, एटमॉस्फेयर देखो, और तुम लोग अंदाजा लगाओ कि भाई तुम लोगों को कहीं से भी ये एक गेम की फुटेज लग रही है। अगर मैं तुम लोगों को 2-3 तस्वीरें दिखाऊं तो भाई तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि भाई तुम लोगों को लगेगा कि किसी हॉलीवुड की मूवी की तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, ये गेम की फुटेज है और इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि किसी हॉलीवुड की मूवी का यार सीन लग रहा है। इतना ज्यादा खूबसूरत एनवायरनमेंट है और इतना ज्यादा खूबसूरत एटमॉस्फेयर बना दिया इन्होंने इस डेमो में, तो तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो अगर इन्हीं ग्राफिक्स में, इन्हीं कैरेक्टर मॉडल्स के साथ, इसी शूटिंग मैकेनिक्स के साथ और इसी एनवायरनमेंट के साथ अगर तुम लोगों को फुल फ्लेज गेम देखने को मिले या खेलने को मिले तो तुम लोगों का क्या एक्सपीरियंस होगा और तुम लोगों का क्या रिएक्शन होगा, ये तो तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो। भाई मेरा रिएक्शन तो ये होगा कि मैं तो फुल पागल हो जाऊंगा, मुझे तो लगेगा ही नहीं कि भाई मतलब ये कोई गेम है। ऑनेस्टली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो जब मैंने ये पहली दफा देखा था ना ये मैट्रिक्स अवेकन्स, मुझे लग रहा था कि किसी हॉलीवुड की कोई मूवी आ रही है और बहुत बड़ी मूवी आ रही है शायद टॉम क्रूज की, जो इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है यार, ये गेम है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं शायद तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये एक फेक रिएक्शन दे रहा है, लेकिन ऑनेस्टली मैं इन चीजों का बहुत बड़ा फैन हूं। जितना मैं इसको देखकर यार खुश हो रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग खुश हो रहे होगे कि नहीं हो रहे होगे। मैं इसलिए खुश हूँ, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना शुरू हो जाती है और मेरी ख्वाहिश शुरू हो जाती है कि भाई GTA 6 और आजकल जो मुंबई गलीज है मेरी फेवरेट वो ऐसी दिखे ना तो मजा ही आ जाए। तो यार ये वीडियो थी जो कि मैं तुम लोगों के लिए बनाना चाहता था, मुझे उम्मीद है यार तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और तुम लोग यार इंतजार
इंतजार कर रहे होगे कि अब अनरियल इंजन 5 में हमें कोई गेम देखने को मिले जिसमें यार फुल स्टोरी हो और इसी तरह के ग्राफिक्स, इसी तरह के कैरेक्टर। और इसी के साथ चलते चलते यार मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर है, तुम मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कहीं पे और उनका लिंक भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पर, तुम लोग उनका यार चैनल चेक कर सकते हो, वो तुम लोगों को वहाँ पर अपनी फेवरेट गेम्स डाउनलोड करने के बहुत से ऑप्शन तुम लोगों को वो बताएंगे, तुम लोगों को बताएंगे कि तुम लोग अपनी फेवरेट गेम्स कहाँ कहाँ से कैसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यार अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मुझे उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट कर दिया करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में एक बड़े मजे के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।